दोस्तों, जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे कोई भी पेन ड्राइव या मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, यानी कि रिमूवेबल डिवाइस को आप जब भी अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं या कंप्यूटर पे, तो उसको आप डायरेक्टली निकाल देते होंगे, जिसके कारण कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि आपका डिवाइस करप्ट हो जाता है या उसका डाटा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए आप इस तरह से अपने डिवाइस को रिमूव कीजिए। बॉटम पे आप देखेंगे नीचे तरफ टास्क बार की लाइट पे, यहाँ पे एरो बना होगा जहाँ पे रिमूवल डिस्क का आइकन बना होगा, इस पे से क्लिक करेंगे तो इजेक्ट सीडी ड्राइव, क्योंकि मैं मोबाइल कनेक्ट किया हूँ तो सीडी ड्राइव शो हो रहा है इजेक्ट करने के लिए, लेकिन मोबाइल रिमूव नहीं होगा। इजेक्ट ड्राइव कर रहे हैं तो ऐसे ड्राइव रिमूव हो गया, लेकिन हमारा मोबाइल अभी भी एक्सेस हो रहा है, तो इसको रिमूव हम यहाँ से नहीं कर सकते। ऐसा करना होगा, आपको सेटिंग में जाना होगा और डिवाइस में जाकर जो भी आपका MTP डिवाइस है उसको इस तरह से रिमूव डिवाइस कर देंगे, तो आपका जो मोबाइल जो आपने कनेक्ट किया होगा उसको आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से हट गया। यदि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे पेन ड्राइव अटैच करते हैं, ठीक है, पेन ड्राइव को कनेक्ट करते, तो जैसे मैं अभी कनेक्ट किया हूँ तो यहाँ पे मेरा USB डिवाइस आ चुका है। मैं इसको डायरेक्टली निकालूंगा तो जो भी मेरे इसके अंदर डाटा है वो या तो करप्ट हो जाएगा या हमारा पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए हम यहाँ से इस आइकन पर क्लिक करेंगे, इजेक्ट रूसर बंडल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा USB ड्राइव रिमूव हो जाएगा। यदि यहाँ से आपका रिमूव नहीं होता है, फिर एक बार निकाल के लगा देते हैं, यदि आपके कंप्यूटर से यहाँ से नहीं होता है तो आप वैसे दोहरा सकते हैं जैसे कि आपने मोबाइल को रिमूव किया हुआ था। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो कर्सर ब्लेड का डिवाइस आएगा, सॉरी नाम यहाँ पे शो होगा, इस तरह से क्लिक करेंगे आप तो रिमूव डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, तो आर यू श्योर वांट टू रिमूव, यस करेंगे, कर दो, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और आप अंदर से भी देख सकते हैं माई कंप्यूटर पर हट चुका है। तो आप डायरेक्टली किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर से रिमूव मत कीजिएगा, सिस्टमेटिक इसको रिमूव कीजिएगा ताकि आपका डाटा भी जो होगा वो सेफ रहे और आपका डिवाइस भी सेफ रहे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।